वही पानी है जो हमें पीने के लिए मिलता है। तो उस पानी की हैसियत, पानी संरक्षण के लिए आपके काम की हैसियत अगर देखना है, पद वनपालों के हैं तो हमारी ये फोर्स जो है थोड़ा और यंग होगी। वैसे तो यंग का नाम सुना होगा आपने, 24 घंटे में पता चल जाता है। बहुत से लोग होंगे उनको घंटे दो घंटे में ही पता चल जाता है। जमीन में तो जरूर आएगा, 72-74 साल उम्र है, लेकिन एक बार तो जमीन में आ जाएगा। वही मेरा ड्राइवर पहले फौजी था, प्रभु सिंह जी, एक स्थिति ऐसी आई, कुछ तनाव आया रिटायर होने के बाद, जाएंगे रेंज ऑफिसर्स के पद भरे जा चुके हैं, जो शेष रह गए ज्वाइन करने से फिर भरेंगे हम। आपके ध्यान में है नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर में हमारे फॉरेस्ट गार्ड की औसत उम्र, आपको आश्चर्य होगा, वो कोई 55 के ऊपर ही हुआ करती थी। लेकिन जज्बा देखिए, डॉक्टर को उन्होंने ये कहा कि आप तो मेरी जिंदगी बचा दीजिए, फिर मैं अपने आप चल लूंगा। तोमर साहब कह रहे थे कि आज अपनी फोर्स को जब हम देखते हैं तो इसमें जवान लोग दिखाई पड़ते हैं और हंसते मुस्कुराते चेहरे। सारथी कहता हूँ मैं उनको, आज वो 12-15 किलोमीटर चलते हैं। और एक और बात बताऊं मैं, अगर आमने हम अपने शहीदों को, जो हमारे लिए, हमारी सबकी ज़िंदगी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, उनको मैं सादर नमन करता हूँ। और हम जो शिक्षा लेते हैं उनकी इस न्योछावर से, उनके इस बलिदान से, वो ये है कि पूरी सत्य निष्ठा से हम काम करें। आप सबके माध्यम से मैं समाज को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो वनकर्मी हैं जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए और जो आज भी वनों की रक्षा में दूसरी जगह लगे हुए हैं, उनके काम के बिना एक एक सांस दूभर हो जाएगी। जैसा मैं कहता हूँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और समुद्र, इन दोनों को देखें तो 92-94% टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से, जंगलों से आती है ऑक्सीजन और थोड़ी सी ऑक्सीजन समुद्रों से आती है। तो इनका काम मेरी और आपकी सांस को सुरक्षित रखना है, ये मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये लोगों तक संदेश जाए। एक संदेश मैं ये भी लोगों तक आपके माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ, पानी की एक एक बूंद वनों में जब गिरती है और उसके बाद ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, उसके बाद मेरा और आपका गला, सूखता हुआ गला, उससे समस्याग्रस्त होने से बचता है, जीवन आगे बढ़ता है। तो इन वनों की रक्षा में हमारे जो साथी लगे हुए हैं, आप उनकी मदद करें, जहाँ भी आप उनकी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करें। और अपने साथियों को मैंने कहा है कि उसी सत्य निष्ठा को लेके साथ चलें जिस पर हमारे साथियों ने प्राण निकाला। सर, आपने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को मैंने अपने वनकर्मियों के लिए लिखा, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा। उस पुस्तक से मैंने रॉयल्टी नहीं स्वीकार किया ताकि उसकी कीमत कम हो सके और मेरे साथियों तक मैं पहुंचा सकूं। उस किताब को मैंने सरकारी धन से न खरीदने के लिए अपने साथियों को कहा, ताकि वही लोग पढ़ें जिनको पढ़ने की इच्छा। और उस पुस्तक की जो PDF फाइल है वो 100% निःशुल्क मेरे प्रत्येक कर्मचारी के पास। उसका जो मूल संदेश है वो ये है।